हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो बहुत डिटेल में तो नहीं दिखा पाई, बट हम लोग निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए। मैं अभी तो उतना शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, बट एक ब्लॉग में बोली थी आप लोगों को कि मैं हम लोग का मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया सिलीगुड़ी। सो बहुत दिनों से कोशिश में थे हम लोग कि सिलीगुड़ी की तरफ चले जाएँ, और फाइनली भगवान जी ने वो कर दिया। तो बस हम लोग निकले हुए हैं और घर पे सब एकदम सब खुश है। इस बार मालदा जा रहे थे तो सब रो रहे थे, बट इस बार सब खुश है क्योंकि हम लोग सिलीगुड़ी जा रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। घर एकदम 100 किलोमीटर्स में है, तो जब मन हो तब जा सकते हैं। और उसके बाद कुछ खाने का बहुत मन कर रहा था और अच्छा लग रहा था, बहुत हैप्पी भी थे हम लोग। तो कुछ खाने का मन कर रहा था, तो एक जगह हम लोग को दिखा भुंजा बन रहा था, बहुत अच्छा, मतलब मूढ़ी का, चूड़ा का, चना का, बादाम का, इस टाइप का। तो बस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो, तो वो बोले कि चाहिए मतलब हम लोग बनवा के लाते। तो मैं उनको बोली आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग बनवा लिए थे। और एक जगह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे जगह पे, एक अच्छे लोकेशन पे गाड़ी को मतलब आराम से रोक दिए कि हम लोग आराम से खाएं। और ये एक ऐसा चीज़ है कि वो गाड़ी चलाते रहेंगे और मैं खिलाऊंगी, वो हो नहीं सकता, गिर जाएगा। तो बस गाड़ी को रोक के हम लोग अच्छे से इसको इंजॉय करते। मेरे हस्बैंड बोलते आपका वाला का टेस्ट कैसा है, मेरा वाला तो बहुत अच्छा है। तो मैं चूड़ा का बनवाई थी, मुझे चूड़ा का बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बेटी जो तो खाती नहीं है, हल्का सा मुँह में ली और उसको झाल लग गया। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, बहुत दिन मतलब 3 दिन पहले हम लोग आ चुके हैं सिलीगुड़ी, 3 दिन या 4 दिन हो गया आ चुके हैं। और बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ का लोकेशन है, और ये मैं थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाई थी यहाँ पर रुक के। तो फ़ोटो और वीडियोज़ तो मेरे हस्बैंड कर लिए थे फ़ोटो। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ से पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया था। तो ये हो गया आप लोगों का सेबक का रूट। तो मैं आज आप लोगों के साथ पूरा अपना सेबक का जो एक रूट टूर है, मतलब कैसे कैसे रूट जाएगा, वो आप लोगों के साथ, टूर तो नहीं बोल सकते, मतलब आपके साथ रूट शेयर करूँगी। तो बस वही है, अच्छे से देखिए, बहुत सुंदर सा व्यू दिखाई हूँ मैं और पूरा रूट दिखाई हूँ कैसे कैसे करके हम लोग निकले हैं। मंदिर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। सो देखिए यहाँ से स्टार्ट है पहाड़ दिखना। सो यहाँ से देखिए बस सेवक हम लोग मतलब सेवक के तरफ एंटर कर रहे हैं, और कितना ब्यूटीफुल व्यूज है। तो आप लोग बस देखते जाइए और मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी, बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए सेवक का ये पहचान है, आप जैसे चले जाएंगे बहुत बहुत सारा मंकी दिखेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। आप लोग कुछ खाने का भी अगर लेके जाएं तो वो लोगों को ले, वो लोग छीन लेते हैं, डर होता है। मैं भी जैसे कैमरा लेकर थी मोबाइल हाथ में, तो मुझे डर लग रहा था कि वो लोग खींच ना ले, वो चीज़ का मुझे बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से मैं बहुत टाइट पकड़ के रखी थी। मेरे हस्बैंड का कह रहा था उन लोगों को लगेगा आप कुछ खाने का हाथ में रखिए और शायद खींच लें।
एंड हाँ, अब एडिट करते करते याद आया, ये था संडे का दिन और आप लोग देख सकते हैं कितने लोग घूमने के लिए आए हुए रहते हैं संडे के दिन। सब कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, कुछ कुछ करवा रहा है और ये ब्रिज हम लोग पार कर रहे हैं। सो उसके बाद हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लेंगे कार को। और ये रहे मेरे हस्बैंड। ऐसा हो रहा है कि जिस दिन भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को यही वाला टी शर्ट निकाल कर दे देती हूँ और मुझे चिढ़ हो रहा है अपने आप से कि क्यों ऐसा हो जा रहा मेरे से। तो बस ये देखिए, मंदिर की तरफ हम लोग आ गए। नीचे दुकान वगैरह है, ऊपर मंदिर है। किसी दिन होगा तो हम लोग अच्छे से दर्शन के लिए आएंगे, अभी तो हम लोग नहीं आए। तो जय माँ काली अच्छे से हम लोग प्रणाम कर लिए। और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर, तो ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर की और व्यू, मेनली व्यू शेयर की कि कितना सुंदर व्यू है। सो ब्यूटीफुल। जो लोग भी, एक साल मैं गैंगटॉक में रही बट उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, नहीं तो मैं आप लोगों को कितना कुछ दिखा पाती। बट कोई नहीं, अभी जो मेरा लाइफ है मैं वही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, गाड़ी सब जा रहा है और हील का क्या होता है, बहुत जिग जॉग टाइप का रूट होता है, तो कार बहुत सेफ्टी से चलाना पड़ता है। और बस अब पहाड़ को हम लोग छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और सिलीगुड़ी की तरफ अब हम लोग एंटर करेंगे। और बस कार में मैं बहुत एंजॉय करते हुए और एकदम हम लोग अब नीचे की तरफ आ चुके हैं। और ये हम लोग सिलीगुड़ी आ चुके हैं, मतलब मैं हम लोग जिस जगह पे रहेंगे उस जगह का रूट ले लिए हैं। हम लोगों ने घर लिया है हैदरपाड़ा पे, तो बस वहीं का रूट है ये। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्यूटीफुल सा व्यू आप लोग को आज का कैसा लगा। सेवक का थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।